हेलो टीचर्स, क्रिएटर्स, थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो को चुना है, इसका मतलब आप बुक लिखने में इंटरेस्टेड है। और डेफिनेटली आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट पर, हर एक पहलू पर इतनी क्लैरिटी दे दूंगा कि अगर आपने सोचा भी हो कभी बुक लिखने का तो आप बुक लिख लोगे। हाँ, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जिस तरीके से बुक लिखी जाती है, तो बुक में एक आपको दिखता होगा टेबल ऑफ कंटेंट में, जहाँ पे बताया जाता है कि इसमें क्या क्या है इस बुक के अंदर, वैसे ही इस वीडियो के अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बुक एक टीचर को, कंटेंट क्रिएटर को क्यों लिखनी चाहिए। दूसरा, बुक की कंटेंट गैदरिंग और बुक लिखना कैसे चाहिए, बुक प्रोडक्शन, बुक क्रिएशन कैसे होता है। और चौथा, बुक को पब्लिश कैसे करना है, आप खुद से पब्लिश करना चाहो तो भी, और किसी पब्लिशर का यूज करके करना चाहो तो भी हम बताएंगे। एंड पांचवा, बुक की मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, इस बारे में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा ये वीडियो क्यों देखें, क्योंकि मैंने तो कोई बुक लिखी नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, मैंने कोई बुक लिखी नहीं है, बट डेली डे टू डे लाइफ में मैं कई ऐसे पब्लिशर हाउस से मिलता हूँ, हमारे बिजनेस में इसका पार्ट है, उनसे कम्युनिकेट करता हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने कई बड़े प्रोडक्शन हाउस जो बुक पब्लिकेशन पे काम करते हैं उनसे बात करी है। कई ऑथर के मैंने पॉडकास्ट शूट करे हैं, जिसके माध्यम से मैंने बहुत कुछ नॉलेज गेन करा है, और वो कम्युनिटी एफर्ट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। और देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, बुक पब्लिश करने के बाद बुक की मार्केटिंग करना। तो मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है सोशल बुल, जहाँ पर हम डेली कई बुक को पब्लिश करने में और मार्केटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक टीचर को बुक लिखनी ही क्यों चाहिए। मैं आपको बता दूं कि वीडियो देखने वाली ऑडियंस एक अलग है, पर बुक को पढ़ने वाली ऑडियंस एक अलग है। जैसे मैं उन लोगों में से हूँ जो वीडियो को देखने से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं कहीं पर मुझे रीडिंग करने का मौका मिले, जहाँ से मैं समझ पाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं। 50% लोग अगर वीडियो देखने में बिलीव करते हैं, तो 50% लोग पढ़ने में बिलीव करते हैं। तो आप अगर एक वीडियो क्रिएटर है, एक वीडियो टीचर है, ऑनलाइन टीचर है, ऑफलाइन टीचर है, जो बच्चों को विजुअल के माध्यम से, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ 50% मार्केट कैटर कर रहे हैं। 50% मार्केट आपका अभी भी वेट कर रहा है, चाहे वो रेवेन्यू वाइज बात करें या फिर हम बात करें आपकी रीच वाइज। जैसे देखिएगा, बहुत सारे ऐसे पुराने नाम हैं जो बहुत फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बुक। उतनी पॉपुलैरिटी किसी वीडियो क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर को भी नहीं मिली होगी, बट ऐसे बुक के ऑथर्स को मिली है। तो वो पॉपुलैरिटी आपको मिलती कैसे, बुक के माध्यम से मिलती। तो अब आते हैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। देखिए, कंटेंट क्रिएशन बुक राइटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी मेथड्स बताता हूँ, ऐसे तरीके बताता हूँ, जहाँ से आप अपनी बुक लिखने की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए, एक बात तो समझिएगा कि बुक लिखने में आपकी कोई मदद कर सकता है, पर आपको बुक अपने हिसाब से ही लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको किस सब्जेक्ट पे बुक लिखनी है, उसके बाद किस स्पेसिफिक टॉपिक को लेके चलना है, और किस एग्जाम को टारगेट करना है। सपोज मुझे अगर हिस्ट्री पे बुक लिखनी है, तो हिस्ट्री में MBBSC एग्जाम के लिए टारगेट कर रहा हूँ, UPSC के लिए टारगेट कर रहा हूँ, SSC के लिए टारगेट कर रहा हूँ, या 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए टारगेट कर रहा हूँ, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए टारगेट कर रहा हूँ। आप बुक लिखने के समय पर बहुत ज्यादा वास्ट नहीं हो सकते, इसीलिए आपको ये एकदम निश में घुसना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा, मेरी ये हिस्ट्री की बुक पर्टिकुलर इस डोमेन के स्टूडेंट्स के लिए है। जब आपने कोई सेक्शन या डोमेन डिसाइड कर लिया है, तो उसके बाद में जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, सिलेबस की बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपको बिठानी पड़ेगी। बीइंग अ टीचर भी, आपने जो भी डोमेन डिसाइड किया है, उस डोमेन के सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एक कंप्लीट बुक तभी कंप्लीट होती है जब सिलेबस के हर एक पार्ट को कवर करती हो। देखिए, वीडियो लेक्चर और वीडियो कोर्स डिजाइन करने में या रिकॉर्ड करने में आप कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हो तो जस्टिफाइड होता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट बुक जब ओपन डोमेन में जाती है, अपने कस्टमर के बीच में जाती है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस सिलेबस को पूरी तरीके से उसमें कवर किया हो। ये बात का ध्यान आपको रखना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक अच्छे बुक ऑथर को हमेशा बुक के अंदर हर एक चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद में आपको रेडी करना होगा टेबल ऑफ कॉन्टेंट इंडेक्स। उस बुक के अंदर जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चैप्टर वाइज बायफर्गेट करोगे, आपको फ्रंट जो पेज होता है ना बुक का, जो फर्स्ट और सेकंड पेज होता है, जहाँ से पता चल जाता है कि इस पेज नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ये सारी इंफॉर्मेशन, तो उस तरीके से आपको पहले ये बना लेना है। एंड उसके बाद में इस पर कंटेंट पे वर्कआउट करना है। कंटेंट वर्कआउट करने टाइम पे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होते हैं, उन डाउट्स को दूर करता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ कि क्या आप कोई वेबसाइट से रेफरेंस ले सकते हैं,
तो देखिए गवर्नमेंट वेबसाइट से आप रेफरेंस लीजिए और वहां पे किस जगह से रेफरेंस लिया है उस रेफरेंस की डिटेल भी वहां पर डाल दीजिए। इसके अलावा बुक लिखने की एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, मैंने कई सारे ऑथर से बात करी तब मुझे समझ में आया कि अगर आप जिस डोमेन पे बुक लिख रहे हो वहां से उस डोमेन के अंदर मल्टीपल बुक्स आप ले आओ उससे रिलेटेड। आपको एक बार उन बुक्स को गो थ्रू करना होगा, अगर आपके पास समय है तो अच्छे से खुद रीड कर लीजिए, अदरवाइज आप खुद टेबल ऑफ इंडेक्स से ना इंडेक्स से आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो ऐसे आपको आपके निश में सारी बुक को एनालिसिस भी करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में अगर आपको उस जगह से उस बुक से कुछ अच्छा पार्ट लगता है तो वहां पर आपको सिनोनिम्स यूज करने पड़ेंगे, स्टेटमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, राम को श्याम, सीता को गीता, इस तरीके से थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीजें करते हो तो आपको कोई दूसरा ऑथर बुक पे कॉपीराइट भी नहीं दे सकता। और हाँ, बुक में आप डायरेक्टली ये चीजें ले सकते हो, अगर किसी साइंटिस्ट ने या किसी फेमस इंसान ने एग्जैक्ट कोट किया है तो आप एग्जैक्ट कोट उठा के वहां पर डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप कंटेंट गैदरिंग करके लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। रेस्ट कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या उसमें इनपुट होने चाहिए, आप उस चीज के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मैं एक आपको अच्छी चीज बता दूं, अगर कोई बुक 20 साल से ज्यादा मार्केट में है तो वो ओपन डोमेन में आती है, मतलब उस बुक के कंटेंट को आप यूज कर सकते हो। तो आप इस तरीके से ओल्ड बुक भी देखिएगा तो वहां से आपको डायरेक्टली कुछ उठाना हो तो आप उठा भी सकते हो। एक बार अपने लीगल वाले पर्सन से एक बार पूछ लीजिएगा, पर जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये चीजें की जा सकती है। अब यहाँ पे कंटेंट की तो बात हो गई। अब देखिए आजकल की बुक जो एडवांस बुक होती है उसमें MCQs भी आते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो ये जो पूरी जर्नी मैं आपको बताने वाला हूं ना, इस पूरी जर्नी में एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे, क्लास प्लस ने एजुकेटर्स के लिए एप्लीकेशन तो बनाई है, इसी के साथ साथ क्लास प्लस ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया जहां पर वो एजुकेटर को बुक लिखने से लेके बुक की मार्केटिंग तक हेल्प करते हैं। तो डिटेल में कैसे किया जाता है, अब हमें जहां जहां स्टेप लाऊंगा वहां पे क्लास प्लस का रेफरेंस लूंगा और उसी के साथ साथ उसके अल्टरनेटिव भी आपको बताते चलूंगा। तो जैसे देखो, अब कंटेंट लिखने में आपको एमसीक्यू की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी कि टेबल ऑफ कंटेंट में डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे आपको एक सहभागी के रूप में क्लास प्लस आपकी हेल्प करता है, आपको एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर एंड ऑल कंटेंट उससे रिलेटेड प्रोवाइड करने में आपको मदद करेगा। तो इस पूरी जर्नी में क्लास प्लस भी आपको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में आप इस तरीके से अगर आप क्लास प्लस के साथ बुक पब्लिश करने का प्लान बना रहे होते हैं तो आप वो आपके यहाँ पे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप अभी हम कंसीडर करते हैं कि आपको इंडिविजुअली करना है, नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। देखिए कंटेंट के बाद में अब बुक क्रिएशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बुक क्रिएशन में सबसे पहला आएगा टाइपिंग, बुक की टाइपिंग होती है। बुक की टाइपिंग होने के बाद में इसमें एक आपको एक एडिटर की जरूरत पड़ती है। एडिटर वो लोग होते हैं जो बेसिकली आपके बुक को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, कहीं कहीं प्रूफ रीडिंग में हेल्प कर देते हैं, कहीं कंटेंट में कोई मिस्टेक हो तो उसको हेल्प करते हैं, कहीं इंडेक्स ठीक से जमा नहीं है तो उसमें हेल्प करते हैं। तो एडिटर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एडिटर के रूप में आप अपनी को फैकल्टीज को या फिर आप किसी दूसरे पर्सन से मदद ले सकते हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। तो एडिटर के साथ में ये करना चाहिए। उसके बाद में आते हैं प्रूफ रीडर। टाइपिंग के दौरान अगर कोई गलती होती है या फिर बुक लिखने के दौरान आपने कोई सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती करी है तो उसे प्रूफ रीडर जो लैंग्वेज का एक्सपर्ट है, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, लीगल भाषा का एक्सपर्ट है, वो पर्सन आपकी बुक को बहुत अच्छे से प्रूफ रीड करेगा और गलतियों को ठीक करेगा। देखिए बुक ऐसी चीज है, एक बार में 100-200-500 प्रिंट होती है, एक छोटी मिस्टेक भी आपको गंदा बुक ऑथर बता सकती है। तो इसलिए प्रूफ रीडिंग करना और एडिटर का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार इन सब चीजों में आपका बजट नहीं है तो आप किसी पब्लिश हाउस का भी, आगे हम बात करेंगे क्लास प्लस नहीं तो पब्लिश हाउस का भी आपका ऑप्शन होता है। तो अभी क्लास प्लस आपको यहाँ टाइपिंग से लेके इन चीजों में भी हेल्प करता है। तो क्लास प्लस के साथ जाने में आपको ये फायदा है, एक अच्छा ऑप्शन दिखा तो मैंने सोचा आपको रिकमेंड कर दूं। अगली स्टेप पे चलते हैं। देखिए बुक को पब्लिश करना, अब देखिए बुक को पब्लिश करना है तो आपके पास में आज की डेट में अब मैं तीन ऑप्शन देता हूं। पहला कि आप खुद से पब्लिश कर लीजिए, है ना, वो कैसे होता है उसमें भी डिटेल में बात करेंगे, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास बजट है, आपका नाम है तो आप खुद के पब्लिश करिए। दूसरा ऑप्शन आप किसी पब्लिशर को ढूंढिए, फेमस पब्लिशर को ढूंढिए। और तीसरा ऑप्शन क्लास प्लस, ये आपकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की जर्नी में आपको हेल्प करेगा। ये आपका अपना चॉइस है, तीनों में से आप जिस पे जाना चाहे। तीनों के अपने बेनिफिट्स है तो शायद कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे तो वो आप अपने लेवल पे देखिएगा। मैं थोड़ा सा निष्पक्ष रूप में आपके सामने बातें रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले अगर आप खुद बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो बुक को पब्लिश करने के लिए मैंने कुछ एक चीजें लिख रखी है, मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए अगर आप सबसे पहले अगर खुद की बुक पब्लिश करना चाहते तो आपकी फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या तो वो LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या प्रोप्राइटरशिप हो, ये रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फर्म का। उसके बाद में आप इसको सेल्फ पब्लिश करने के लिए ISBN.gov.in
पर जाकर इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको वहां से ISBN नंबर मिलता है ना। अब ISBN नंबर कुछ स्लॉट में मिलते हैं, 10 ISBN नंबर मिल गए मतलब आप 10 बुक पब्लिश कर सकते हो उस नंबर के साथ में। तो ये ISBN नंबर यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे हमारे IP एड्रेस होते हैं वैसे ही बुक की दुनिया में ISBN नंबर होते हैं। तो ये आपको लेना चाहिए और इसके बिना बुक पब्लिश करना नहीं चाहिए आपको। तो आप सेल्फ यहाँ पे आपने ISBN नंबर ले लिया, अब उसके बाद में बुक आप प्रिंटिंग कराओ और उसके बाद में आपका पब्लिशिंग काम आपने खुद से कर लिया। आप ये खुद से भी कर सकते हो या फिर आप पर्टिकुलर पब्लिशर सर्च कर सकते हो। अब देखिए पब्लिशर सर्च करने का भी एक अपना तरीका है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे किया जाता है। तो आपने जिस दिशा में बुक लिखी है, दिशा से मतलब है कि अगर आपने एक बुक लिखी है जो पर्टिकुलर MP के स्टूडेंट को या फिर UP के स्टूडेंट की काम की है, तो आपको कोई लोकल पब्लिशर सर्च करना चाहिए। अगर आपने बुक लिखना चाहते हो जो इंडिया लेवल पर है, तो आपको इंडिया लेवल का पब्लिशर सर्च करना होगा। और अगर आप बुक लिखना चाहते हो जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जा सकती है, तो इंटरनेशनल लेवल का पब्लिशर सर्च करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको MP लेवल पे कोई पब्लिशर चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने लोकल बुक सेलर के पास जाइए और उस एग्जाम के लिए कौन कौन से पब्लिशर बुक प्रिंट कराते हैं आप उन्हें आइडेंटिफाई कर लीजिए। वहां से आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। ये डिटेल मिलते ही आप उनसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जिस तरीके से आपको पब्लिशर की जरूरत है, वैसे ही पब्लिशर को भी आप जैसे ऑथर की जरूरत है। बस करना क्या है, आपको उन तक पहुंचना है। अगर आप सोचो बैठे बैठे आपके पास चल के आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छे पब्लिशर तक पहुंचना आपको पड़ेगा। वैसे इंडिया लेवल पे आप इंडिया लेवल पे बुक स्टोर पे जाएंगे, इंडिया लेवल पे बुक देखेंगे, ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। सेल्फ पब्लिशिंग का ऑप्शन आपके पास में है ही, दूसरा आप अच्छे पब्लिशर ढूंढ सकते हो। तीसरा ऑप्शन जो क्लास प्लस है, क्लास प्लस अपने आप में एक पब्लिकेशन हाउस लेकर आया है जो वाकई में टीचर के लिए एक नया गेम चेंजर हो सकता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखो क्लास प्लस के साथ में पब्लिशर के साथ में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पब्लिशर अक्सर नए टीचर्स को, नए क्रिएटर्स को कभी भी बुक प्रिंटिंग के लिए अप्रोच नहीं करते। बोले वो पता होता कि बुक प्रिंटिंग आप करके दो, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फोकस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे बात करेंगे, बट क्लास प्लस आपको बुक प्रिंटिंग में भी हेल्प करता है। तो जो बेसिक लेवल पे जो सपोर्ट चाहिए होता है ना किसी टीचर को उठा के टॉप पे ले जाने का पब्लिशिंग की दुनिया में, बुक प्रिंटिंग की दुनिया में, वो क्लास प्लस बहुत अच्छे से कर रहा है। देखिए अब आपने बुक लिख ली, कंटेंट को प्रूफ रीड कर लिया, प्रॉपर रेडी कर लिया, पब्लिकेशन भी ढूंढ लिया, सेल्फ पब्लिकेशन भी करेंगे, पब्लिकेशन के साथ भी जाएंगे या क्लास प्लस के साथ भी जाएंगे, आप जिनके साथ भी जाना चाहो, ये अपनी आपकी अपनी स्वइच्छा स्वचॉइस है। बट मैं आपको बताऊँ मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बुक की दुनिया में भी। अगर आपकी बुक की मार्केटिंग नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन अगर आप सेल्फ पब्लिश कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सेल्फ पब्लिश कर रहे हो तो मार्केटिंग कैसे की जाती है, जैसे हम हमारी डिजिटल मार्केटिंग में कंपनी में हर बुक की मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो देखो मैं सबसे पहले उस बुक को अमेजोन पे डालता हूँ। अमेजोन पे डालने के बाद में मैं उस ऑथर को बोलता हूँ जिसने सेल्फ बुक पब्लिश करी है या फिर किसी पब्लिकेशन के थ्रू भी करी है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप जिनको भी बुक गिफ्ट करो डायरेक्टली अमेजोन से ऑर्डर करो और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मत दो, आप खुद ऑर्डर करो, उनके लोकेशन का एड्रेस डालो। तो इस तरीके से अमेजोन पे ऑर्गेनिकली बुक ग्रो करने लगती है और वहीं पर हम लोग एड्स भी चलाते हैं उस बुक को लेके। तो ये मार्केटिंग अमेजोन के थ्रू बहुत अच्छे से हो जाती है। फिर सेम लोकल वेंडर तक आपको पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है सेल्फ जब आप ये काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे पब्लिकेशन हाउस से अगर आप बुक पब्लिश कर रहे हो तो मार्केटिंग की झंझट आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। देखिए बुक का जो मार्केट है वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की तरह चलता है, मतलब आप देखेंगे कि अच्छे पब्लिकेशन के हर स्टोर पे बुक मिल जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपने अच्छा पब्लिकेशन हाउस सिलेक्ट कर लिया तो आपकी 80% टेंशन जो मार्केटिंग की है वो खत्म हो जाती है। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आपने सेल्फ पब्लिकेशन के थ्रू बुक को पब्लिक किया है तो आपकी बुक प्रिंटिंग कॉस्ट हटा के आपको पूरा रेवेन्यू आपको मिल जाता है। बट पब्लिकेशन हाउस में अगर बहुत अच्छे पब्लिकेशन हाउस में गए तो आपको सिर्फ 5% रॉयल्टी मिलती है, 5% मिलती है, और नए पब्लिकेशन हाउस या लोकल पब्लिकेशन हाउस तो 20% 25% तक दे देते हैं। तो अब आपको समझना है, शुरुआती दौर में आप पब्लिकेशन हाउस पे ही जाए, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। अब देखिए क्लास प्लस भी एक पब्लिकेशन हाउस ही है जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे करना है नेटवर्क को, ये बहुत अच्छे से मिलता है। अब क्योंकि क्लास प्लस की एप्लीकेशन के साथ में आपके स्टूडेंट जुड़े होते हैं, तो अगर आपने कोई बुक लिखी है तो डायरेक्टली आप उस जगह पर अपने स्टूडेंट को भी वो बुक सेल कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, जैसे एजुस्कॉट वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर डिजिटल क्रिएटर्स। आपको स्टूडियो सेटअप करना है, आपको ऐप बनानी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, हम सब कुछ करके देते हैं। वैसे क्लास प्लस भी एक एजुकेटर के लिए ऐप बनाने के साथ साथ अब बुक बनाने में उनको हर तरीके से हेल्प कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आप जा सकते हो। देखिए मैंने आपको सारे एग्जाम्पल सारे स्टेप बहुत क्लियरली बता दिए।
आप चाहोगे तो आप मुझसे वन टू वन एक बार डिस्कस करिएगा, मैं आपको कुछ पब्लिकेशंस के रेफरेंस भी दे दूंगा। इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है जहां पर आप डायरेक्टली फास्ट प्लस के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं और इस पूरे मॉडल को और अच्छे से वन टू वन समझ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर होगा, इस वीडियो से सारी क्लैरिटी आपके मन में आ गई होगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट भी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा इसका मतलब आप बहुत सीरियस है, बुक लिखने की जर्नी में आपने पहला स्टेप तो ले ही लिया है, बस आपको करना क्या है, बुक लिखना शुरू करना है। देखिए जितना डिफिकल्ट ये लग रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी आसान है। आजकल नए नए कोचिंग के ऑनर्स अपना नाम बड़ा करने के लिए बुक लिख देते हैं, बड़े बड़े कोचिंग करंट अफेयर की बुक लिख देते हैं, तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल हम समझते हैं, बहुत आसान है। आप अपने आप पे बिलीव रखिए, जिस तरीके से आपने अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, जिस तरीके से आपने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, उसी तरीके से अपनी बुक भी लॉन्च करिएगा। मेरा ये मानना है एक क्रिएटर को, एक टीचर को सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे फोकस ना करते हुए उसे ब्लॉगिंग पे, बुक पे, अदर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे फोकस करना चाहिए जिससे उसकी रीच बढ़ते चले और इसी तरीके से वो आगे ग्रो होते चले। एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी किसी भी फील्ड में अच्छी नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।